लेकिन भगवान के मंदिर में, भगवान के कथा पंडाल में सिर्फ परमात्मा को मनाने के लिए बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। मंदिरों में आजकल भीड़ ज़्यादा है, इसलिए खड़े खड़े दर्शन होते हैं। वो समय बहुत सुंदर होता है जब हम बैठे हों और ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हों और ढेर सारी बातें उनसे चल रही हो। तो मंदिर में ये संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आपका सौभाग्य है कथा पंडाल में ये सब संभव है कि आप 3-3.5-4 घंटे बैठकर भगवान से डायरेक्ट संवाद करते हैं या फिर परमात्मा की कथा सुनते हैं जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम और आप एकाग्रचित होकर बैठकर भगवान की कथा सच्चे मन से श्रवण करें। सभी बोलेंगे राधे राधे। अभी तो धीरे बोल रहे हो, ऐसे तो आनंद ना आवे। आइए हम और आप सब भगवान की कथा सुने। लेकिन जैसा मैंने कहा, भगवान की 9 भक्तियों में से पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 9 प्रकार की भक्ति हैं, जिनमें से पहली भक्ति है श्रवणम। आजकल की शिकायत एक बहुत बड़ी आम शिकायत है, जानते हो क्या, कि वो मेरी सुनता नहीं है। ध्यान देंगे क्या शिकायत है? वो मेरी मां कहती है कि बेटा मेरी नहीं सुनता, और बेटा कहता है कि मां मेरी नहीं सुनती। पति कहता है कि पत्नी मेरी नहीं सुनती, और पत्नी कहती है, बोलो तो सही, महाराज पतो ना जन कैसो मेरे हो बजमारो, मेरी सुन तो ना है बिल्कुल, ने कहू ना सुन तो मेरी, जादना ते गई हूं पतो ना जन काऊ ने कुछ करवा दो, यू ही कह दे कि बहु की मैं सुनी हो बस। पत्नी कहते कि मेरी सुन तो ना है। सास कहते कि बहू मेरी ना सुनते, और बहू कहते सास मेरी ना सुनते। अरे या की तो छोड़ो, भक्तों कहते हैं कि भगवान मेरी ना सुनत, और भगवान खुद कहते है कि अरे तू भी तो मेरी ना सुनत भैया। भक्त कहते हैं हम मांगते हमें देता नहीं, सुनता नहीं है। भगवान कहता है जिससे मैं सुनना चाहता हूं वो उस तरीके का सुनाना तुझे आता नहीं, तू मेरी कहां सुनता है। मैंने कहा है श्रवणम, कानू पर है कि मुंह साइज में, पूरे बॉडी पार्ट्स देखिए, मुंह पर है कि कान, प्रॉब्लम क्या है? सुनता नहीं है। नेता लोगों की, वोटर लोग कहते हैं हमारी सुनते नहीं है महाराज, नेता लोग जीत के हैं? और नेता कहते जब हम वोट मांगने जाते हैं तो ये हमारी नहीं सुनते, उस समय कहते पहले ये कर दो फिर वोट देंगे, ये कर दो फिर वोट देंगे। आजकल तो वो बहुत कुछ चलने लग गया है वोट के चक्कर में। मैं क्यों बोलूं? बोले मेरी नहीं सुनता, ये मेरी नहीं सुनता। अभिप्राय है कोई मेरी नहीं सुनता, ये सबसे बड़ी शिकायत है। मालिक कहता है नौकर मेरी नहीं सुनता, नौकर कहता है मालिक मेरी नहीं सुनता, है ना। लेकिन एक बात बता दूं, तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा अगर सुनाने की बजाय तू सुनना शुरू कर दे। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। बोलो बोलो क्या है? श्रवणम। बाद में कीर्तनम, पहले सुनो फिर बोलो। हम क्या चाहते हैं? सुने बिल्कुल भी नहीं, सबको सुना दें, और अगर तुझे सुनाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर तेरी नहीं सुनेगा। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरे श्रोता बहुत सुनते हैं मेरी, जब तक बैठा रहूं तब तक सुनते ही जाते हैं, सुनते ही जाते हैं। ये मेरे ठाकुर की बड़ी कृपा है।
कबो कबो जब मेरो मन कर तो गाय कि तुम सुना दे, तब मैं कहतु राधे राधे बोलना पड़ेगा, तब बेचारे मेहरबान है कि सुना मत है ना, तो बोलते ही ना है बिल्कुल अन्य आमत ही ना बोलो। कथा पंडाल में तो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे अभी बोलवो सीखेंगे जे, इतने शांत है कि सुनते हैं कथा। मेरो सौभाग्य है तो कि ना है, दुनिया कहते हमारी सुनतना है, हमारी सुनतना है, और मैं कहतु हमारे श्रोता बोलतना है, बोलतना है, बोलतना है। श्रवणम, तू अगर अपनी समस्या का समाधान करना चाहता है तो सुनना शुरू कर दे, और अगर तू सुनना नहीं चाहता तो जीवन भर याद रखना तेरी भी कोई सुनने वाला नहीं है। पहले तुझे सुनना आना चाहिए, बहू को सुनना आना चाहिए कि सासू माँ क्या कह रही है, बेटे को सुनना आना चाहिए माँ बाप क्या कह रहे हैं, नौकर को सुनना आना चाहिए स्वामी क्या कह रहा है, भक्त को सुनना आना चाहिए परमात्मा क्या कह रहा है। और जब ये लोग सुनना शुरू कर देंगे तो आधी से ज्यादा समस्या का समाधान अपने आप संसार की हो जाएगा। और जब तक कथा होती रहे तेरा ध्यान बिल्कुल भी भंग नहीं होना चाहिए। एक बात तो सच है, जब तू भक्ति करने जाएगा तो परेशानी आएंगी, तू सत्य मार्ग पर चलेगा तो तुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तू आगे बढ़ता गया तो फिर तेरे पीछे दुनिया हो जाएगी, इसमें संदेह मत करना, विश्वास रखना। दुनिया तेरे पीछे पीछे फिर होगी, कब? जब तू ईश्वर पर विश्वास करेगा, कथा को श्रवण करेगा, कथा जीवन को। अभी कल मेरे को कोई कह रहा था, जब कृष्ण जन्म उत्सव हो रहा था, तो महाराज आज हमने सत्य को देख लिया, आज देख लिया। क्यों देख लिया? बोले आज कृष्ण जन्म में पिछले 3 बार से आप आगरा में कथा कर रहे हो, और तीनों बार कृष्ण जन्म बारे दिना चू बरसत हो जी, मुँह का पतो बातें पूछो जाए कि चू बरसत हो, खूब बरस है गो। जब तुम्हें कन्हैया के आवे की खुशी है तो बायनाए का खुशी, बहू आए कि अपनी खुशी प्रकट करतो है तो जा मैं तुम्हारे पेट में दर्द चू है रो भैया। तुम नाच रहे हो, तुम झूम रहे हो, तुम ताली बजा रहे हो, तुम गा रहे हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और जब ऊपर वारो बरसे तो। लेकिन मैंने प्रेमियों को देखा, इतनी घनघोर बारिश में भी वो यहां से हिले नहीं, और ठाकुर जी के कीर्तन में बधाई में नाच रहे थे। ये प्रकट प्रमाण है कि आज भी मेरे कन्हैया के दीवानों की कमी नहीं है। जो जीव बिना सुने अपना डिसीजन ले लेते हैं उनके डिसीजन रॉन्ग होते हैं। समटाइम टेक रॉन्ग डिसीजंस बिकॉज तुमने सुना ही नहीं, उससे पहले तुमने डिसीजन ले लिया। हर घर के छोटे सदस्य को चाहिए वो पहले सुने। शुक्र है विधायक साहब अब आए जब राजनीति की बात खत्म हो गई। गर्ग जी अभी पहले हम बता रहे थे कि जनता कहती है कि नेता लोग हमारी नहीं सुनते, नेता कहते जनता हमारी वोट के समय नहीं सुनती, कौन नहीं सुनता, वो सब बातें समझा रहे थे। तो ध्यान देंगे फिर, हर छोटे सदस्य को बड़े की बात सुननी चाहिए सुनाने से पहले, ध्यान देंगे एकदम। तुम सुनाना शुरू करो उससे पहले सुनने की आदत डालो। हो सकता है कई बार कड़वे शब्द भी सुनने पड़े, लेकिन महादेव को महादेव कोई ऐसे ही नहीं कहता। महादेव ने कालकूट को जब अपने गले में कंठ में धारण किया उसके बाद उन्हें महादेव का दर्जा प्राप्त हुआ, वो नीलकंठ महादेव हो गए। जो अपमान के अपशब्द के घूंट को जहर को पीना जानते हैं वो घर चला सकते हैं, और जो चाहते हैं सिर्फ मेरा मान ही मान हो, अपमान ना हो, मीठा ही मीठा मुझे सुनने को मिले, कभी कड़वा सुनने को न मिले, तो आई एम सो सॉरी, तुम अपना घर चलाने के लायक नहीं हो। अपमान का जहर पीना तुम्हें आना चाहिए,
और जो अपमान का जहर पीता है वो घर चलाता है। मैंने एक बार और कहा था, जो सहता है वो रहता है, जो सह नहीं सकता वो रह नहीं सकता। आजकल हमारे भारत में जॉइंट फैमिली क्यों नहीं है? क्यों टूट गई हमारी फैमिलियां? वजह सुनने की आदत कम हो गई, सुनाने की आदत ज्यादा हो गई। हम सुनाना ज्यादा चाहते हैं, सुनना ज्यादा नहीं चाहते। कई बार तो लोग जब कथा में भी जाते हैं तो कई सुनाने वाले वहां भी पहुंच जाते हैं। अरे महाराज बहुत सुन ली ये बातें। अगर बहुत सुन ली होती, हाँ हो सकता है सुन ली हो, लेकिन सिर्फ सुनी है, जीवन में उतारी नहीं है। अगर जीवन में बहुत में से एक भी उतार ली होती तो आज ये शब्द तू न बोल पाता कि बहुत सुन ली ये बोलने लायक तू न बन पाता। तो जरूरी है अपमान का जहर पी लो, फिर तुम अपना घर चला पाओगे। श्रवणम तत्पश्चात कीर्तनम। जब सुनने में तुम माहिर हो जाओ, मास्टर हो जाओ, पूरा ढंग से सुन लो, तब बोलना शुरू करो। कीर्तनम, उसके बाद कीर्तन शुरू होना चाहिए। और बोलो कैसे? सत्यम ब्रुवात, वेद सूत्र है। प्रियम ब्रुवात, सत्य तो बोलना लेकिन जो मीठा हो, जो सबको प्यारा लगे, जो कड़वा लगे ऐसा मत बोलो। अपने आप को मीठा बना लो, थोड़ा सा वाणी को मीठा कर लो। ऐसी वाणी बोलिए कबीर बाबा। कैसे बोले? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, औरन को शीतल करे आपौ शीतल हो। सबको मीठा कर दे। लोग तुझसे सुनने आए क्यों? बोले बोलता बहुत मीठा है। एक डॉक्टर साहब हैं दिल्ली में, मेरे अपने बहुत जानकार हैं। वो जब बोलते ना तो आधा रोगी तो तभी ठीक हो जाता जब वो बोलना शुरू करते। इतना मीठा बोलते, जितनी कड़वी उनकी टैबलेट उतनी मीठी उनकी वाणी। बहुत आनंद आता है उनसे बात करने में ही, इतना मीठा बोलते हैं। तो कोशिश करें जब भी बोले पहले सुने फिर बोले, और बोले तो मीठा बोले। अब कोई कहेगा महाराज हम कितना मीठा बोले, सामने वाला तो गाली पे गाली दिए ही जा रहा है। एक काम कर, तू मीठा बोलता जा और देख सामने वाले में कितनी हिम्मत है, वो कितनी देर तुझे गाली दे सकता है। अनुमान लगा के देख, घड़ी लगा के 5 मिनट वो तुझे गाली नहीं दे पाएगा। अगर तू सर झुका के खड़ा रहा या मीठा बोलता रहा तो 5 मिनट में वो पस्त हो जाएगा और कहेगा कि तू कौन सी धातु का बना है, मैं तुझे गाली दे रहा हूं और तू मीठाई मीठा मीठाई मीठा मीठाई मीठा मीठा, क्या हो गया तुझे? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। गांधी बाबा गीता के पद चिन्हों पर चलते थे तो आज बापू राष्ट्रपिता हो गए। क्या हो गए? क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने गीता को सुना और फिर अंग्रेजों को बोला, और जब अंग्रेजों को बोला तो गीता में से बोला यदा यदा धर्मस्य, और जब गीता में से बोला तो मीठा बोला, और जब मीठा बोला तो अंग्रेज हमारे भारत की भूमि को छोड़ के भाग गए, जाके छुप गए अपनी गुफाओं में, और हमारा भारत आजाद हो गया। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। कब? जब वो मीठा बोले। उन्होंने खड़ग नहीं उठाई, तलवार नहीं उठाई, लेकिन मीठा बोले, और ऐसा बोले गीता में से बोले। अगर कोई गीता में से बोलने वाला हो, भागवत में से बोलने वाला हो तो दुनिया सुनती है, तुम क्यों सुन रहे हो? यहाँ इतनी बहू बैठी हैं जो अपनी सास से कड़ाके कड़ाक जवाब दें, यहाँ ऐसी सास बैठी हैं जो अपनी बहू है चैन ना लेंदे ऐसी बोलती रहें, पता ही ना जन कब कहा बोल दें, लेकिन यहाँ के चुप क्यों बैठ जाएं? क्योंकि देवकी नंदन अपने घर की कथा आपको नहीं सुना रहा है, देवकी नंदन भगवान कृष्ण की कथा आपको सुना रहा है, इसलिए आप सुन रहे हो। इसमें मेरी विशेषता नहीं है, इसमें आपकी भी विशेषता नहीं है,
इसमें विशेषता है भागवत महापुराण की, इसमें विशेषता है मेरे ठाकुर की कृपा की, उनकी लीलाओं की, जो मुझे सुनाने के लायक बना दिया और आपको, क्योंकि यहां मेरा और आपके घर का संबंध नहीं है, हमारे और आपका परमात्मा का संबंध है और वो हम सबका एक ही है, अलग नहीं है, इसलिए हम सुन रहे और सुना रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा।